रियाया को गलती हो गई हाकम माफ कर देंगे ने सरकार तोड़ा इकबाल दूना हो गए रहम किया जावे जे ओदी जिंदगी चाहनी है कर बुटिए जे उन्हें तेरी गल ना बागी दी हसीयत पेश किया जाएगा बादशाह भी उन्होंने सजा देगा जो सी चाहवा मैनू मौका दिता जावे सरकार तू इत की लैना है मैं तोड़ी जिंदगी का सीनिया लेके आई हूँ फजल खान ने आखिया है कि जे तुसी ओदे साथी बन जावो जो तोड़ी जान बख्शी भी करवा देगा तो तोड़िया सारिया गल्ला मान जाएगा नेमत बीबी बीवी से बीवी बन के ही सोचिए नादाने जालम मजलूम का साथ दे के मर जाना सौ दर्जे चंगा जिंदगी तोड़ी नालू मेनू बहुत हक मैं तोड़ी बीवी ही नहीं तोड़ी होने वाले बच्चे की मां भी हाँ उस बच्चे की मां तोड़े अगे हाथ जोड़ दी कि अपनी जिद तो बाज आ जाओ उस आने वाले मासूम ने यतीमी का दाग ना लाओ एक बच्चे दे यतीम होने वाला बच्चे यतीम हो तू बच जा मेरी मौत कर कारे च नूर खान पैदा कर दे ये मेरे जमीर का फैसला है इस फैसले नु दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती सरताज मैं तोड़े बाद की करा करना क्यों एक वसीयत याद रख मेरे होने वाले बच्चे नु पाल ले ते जे पुत्र होया ते उन्नू आखी कि तेरे प्यो ने जड़ी अग बाली उन्नू कदी भी ना बुझण देवे ते मैनू यकीन है कि मेरा पुत्र मेरे वांग सरकार दा इकबाल बुलंद होवे पुराने मुकदमे की फहरिस्त पेश करन तो पहला मैं कैसा मुजरम पेश करना चाहवांगा जेड़ा मुजरम ही नहीं बल्कि जनाब दे तख्तो ताज का दुश्मन भी तख्तो ताज का दुश्मन साड़ी रियाया साड़ी को इन्नी दुखी नहीं कि कोई साड़े तख्तो ताज का दुश्मन हो जाए पहला मैनू भी यकीन नहीं सी आया जा पर जदों मैं ताड़ी वफादारी दी अखां नाल वेख्या ते मैनू उस मुजरम दे इनकार च बगावत दी चिंगारियां नजर आईयां और कौन है डा सरकश मुजरम है उन पेश कीता जाए उन्हूं पेश करन तो पहला मैं इजाजत चाहवांगा कि हजूर दे मुआफज अपनी तलवारां तो बाहर कढ़ लै इजाजत बादशाह सलामत इस तू पहला कि तुसी मेरा नाम जुर्म पूछो मैं कहन की इजाजत चाहवांगा कि हक में वक्त की अखां च फरियाद सुनन तू पहला गुस्सा आया होवे इंसाफ की तवक्को नहीं की जा सकती नूर खान तुम बादशाह सलामत बेइंसाफ समझना समझना वा जिन्हें मेरी फरियाद तू पहला बादशाह दे पाकिस्तान तेरा मतलब यह होया जानन वाली अख नहीं है फरियाद सुनने वाले कन नहीं है इंसाफ करने वाला दिन नहीं है सब कुछ है अख भी है कन भी है दिमाग भी है सिर्फ नहीं की अपनी कछ पलन वाले सबा की पछाण ली अपने कन लाओ मजलूमा के घर चो निकल वाली चीगा सुनो फिर फैसला करो नूर खान की फरियाद नाली तुहीन आती है कि दलम कर इंसाफिया इंसाफ की मिट्टी पलीत हो रही है जुबान लगा दे नूर खान जमीन नु आवाज दे फजल खान आली जा ताड़िया बख्शियां लम्मिया बाहां नाल गरीब घरां दे कुंडे खोल लिया जे ताड़ी दित्ती तलवार नाल मजलूमां दे सिर ला रहा जे ताड़ी दित्ती जबान नाल मजबूर दिलां नु दुखरिया जे ते ताड़े दित्ते अख्तियार नाल उन्हां इलाकियां चों लगान वसूल कर रहा जे जेड़े हजूर ने माफ कर दित्ते ए झूठ कह रहे आली जा फजल खान ए भी झूठ कि जुलम तू कर रहे ते बदनामी हक में वक्त भी हो रही ए भी झूठ है कटना तू कटना है ताके शाही ताकत डिग रहे ने ऐ भी झूठ है कि तेरा एक कट गरीब रिया दे कान लुटी जा रहा ते दूजा हाथ सरकार का खजाना खाली करी जा रहा खाली जा ओ फड़ लो हजूर ते हमला कर लगा जी मेरी जान हजूर तो कुर्बान ये बागी सारे मुल्क च नेरा करन लगा
चेहरे ते आए हुए सारे सवालों का एक जवाब है भैन, मैं सिर उथे छड़ आया ते पग लै तस्वीर अगे किसी का बस नहीं चलता सरकार, शहजादे की हालत बड़ी खराब है, एदी जान बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। शाही ने जमीन बुलाया जाए। जोहल ते मुरीक आपस में टकरा गए सरकार, मुश्तरी सितारे का बुर्ज में दाखिल होना जरूरी है। इस मुश्किल को हल कर दी तो जो भी शहजादे की जान बचाने वाले मुंह मंगिया इनाम दिता जाएगा। शहजादे के बचन की सिर्फ एको सूरत है सरकार। छेती दस ने जूमी तू रुक गया। शहजादे को 8 साल तक इस महल तो दूर रखना पड़ेगा सरकार। ये अलावा इनू ऐसे बच्चे की माला दुध पिलाना पड़ेगा जिसकी पैदाइश का वक्त दिन ये मिलता हो। नजूमी ये तू की कह रहे? इस अमल तो अलावा दुनिया का कोई इलाज शहजादे नहीं बचा सकता। ये अमल जरूर आएगा। असी शहजादे की जान बचाने ली ये जुदाई भी बर्दाश्त कर लेंगे। तू जा सकता। सलामत। की गल? शहजादा हुजूर दे बारे च की सोचे? मैं सारे इलाके च इस औरत दा पता करन दा हुक्म दे रहा जड़ी नजूमी दे हिसाब नाल शहजादे दी जिंदगी बचा सकती। जान दी अमान पा के अर्ज करनी आ कि हुजूर दा ए फैसला सही नहीं। की मतलब? मैं कईयां पुश्तां तो हुजूर दे खानदान दी नमक खा रहा ते इस वजह नाल अर्ज करन दी जुरत करनी आ कि हुकूमत दे बेशुमार दुश्मनां दी मौजूदगी विच शहजादे दी महल तो बाहर ऐलानिया परवरिश खतरे तो खाली नहीं। गल तो ठीक कीती। हुजूर हुक्म देन ते मैं शहजादे नूं खुफिया तौर ते अपने नाल लै जावां। मेरी हकीर राय भी जिहड़ी औरत शहजादे दी परवरिश करे उहनूं भी इल्म ना होवे कि उहदी गोद विच शहजादा पल रहा है। बिल्कुल ठीक है। तैनूं साडे वल्लों इजाजत है तो ले जा सकदी। खुदा तैनूं तेरे नेक इरादे च कामयाब करे। मल्ले चे उस राती कोई बाल नहीं होया। कोई बाल नहीं होया? नहीं थी। इस पिंड विच ते पिछले 4 महीनों तो कोई बाल नहीं होया। उस रात ते फिर नूर खान दे घर बच्चा होया सी। केड़ा नूर खान? जिन्हों बादशाह ने परे दरबार विच मरवा दिता सी। नेमत बीबी का घर हुई आहो लंघ गया। आ भैन बह जा, मैं तेरे लिए कोई लस्सी पानी लेके आवा। एदी जरूरत नहीं भैन, तू भी मेरे कुल बह जा। मैं तेरे नाल बड़ी जरूरी गल करनी है। जरूरी गल? मेरे नाल? किसी होर पिंडो आई है। मैं तेनू आज पहला कदी नहीं वेखिया। मैं बड़ी खजल खुआर हो गई तेरे ती कपड़िया। क्यों खैर है भैन? खैर होवे ते कौन अपने बूहे तो निकल के दर दर दे धिक्के खांदा है। एक मरण वाली माँ मेरे ते बड़ी वड्डी जिम्मेदारी सुट गई है। खुदा ने मैनू एक इम्तिहान च पा दिता है भैन। गल खोल के कर भैन।
शायद मैं तेरे किसी काम आ सका। मैं इस बच्चे लिए तेरे दूध की जमानत चाहनी हूँ। इस बच्चे नु पालन वाला कोई नहीं? पालन वाला तो अल्लाह है भैन, पर दूध पियान वाला कोई नहीं। कुछड़ ते मैं भी चुप सकनी हाँ, पर बच्चे नु मां दी छाती दे जड़े लहू की जरूरत होंगी है वो मेरे को नहीं है। मैं तेरा मतलब समझ गई हाँ भैन, पर तू मेरी मजबूरी नहीं जान सकती। मैं ते अपने पुत्र अपने दूध की बजाय अपने छाती से जख्म चटा के जवान करांगी, तेरे मां बेटे नु किवें पालांगी। मैनू ना उम्मीद ना कर भैन, मैं बड़ी आस लैके तेरे को आई हाँ। उजड़े हुए घर तो तेरी कोई आस पूरी नहीं होनी भैन, अपने पुत्र दे सदके मेरी गल मान ले। पुत्र ते प्योहा दे हुत्ते ने, एह ते मेरे उजड़े हुए सुहाग दी निशानी की। खुदा दा वास्ता ही भैन, इहनू किसे होर घर लै जा जिथे इस बच्चे नू दुध दे नाल नाल जिंदगी दीआं खुशियां भी मिलन। इत्थे की पिया होए हैदरी पुत्र की गल है? मक्खन खाने वा। दुल्हिया तेन कितनी बारी मना किया, खोके ना खाया पर मैनू भी दे मक्खन बेबे। तू भी ले। जो खेडो जा के मेरे निशाने ते निशाना मारेगा? तेरे निशाने ते निशाना नहीं मारांगा ते कलेजे ठंड किवें पैणी। लै फिर मार के विखा। लै फिर वेख। शावा भी शावा नूरा, वेख हुण निशाने ते निशाना किवें लगदा है? तू मार ते मैं वेखनी आ। दुल्हिया तेरे ते मेरे निशान विच कोई फर्क नहीं, ओ असी दोवें भरा जो होए। पुत्रा बस, दुल्हिया मेरे ना वादा कर कि तू आज तो बाद निहत्थे दे उत्ते कदी वार नहीं करेगा। आहो बाबा मैं कॉल दिना मां, आज तो बाद कदी निहत्थे दे वार नहीं करांगा। दुल्हिया तेनू कॉल दा मतलब आंदा? आहो बाबा कॉल दा मतलब है बंदे दी गर्दन काट दे पर जुबान तो ना फिरे। शाबाश पुत्रा। आ पुत्र रोटी खा लाओ। जाओ पुत्र रोटी खाओ। मैं भी बड़ी भूख लगी है। लो जी मैं भी आ गया। तू भी बैठ जा पुत्र। अल्लाह फड़ तू तो शुरू हो। अद्धी तेरी ते अद्धी मेरी।
ते पियो दी हालत मैथों नहीं देखी जाती। कोई एहो जी सूरत नहीं हो सकती कि ओदा पियो नु इत्थे आके मिल जाया करे। मैं ओदे बाप नु सारियां तरकीबां दस बैठी हां। मैं फिर हैदरी नु बुलानी है, तू ओदे नाल आप गल कर ले, जे हौसला पवेगा ते लै जे। तेरे दरवाजे ते आन तो पहला तेरे उजड़न की कहानी तेरे पिंड वालिया ने मेरे कन्ना छुपा दी सी। मैंने पहला ही पता सी कि तेरी छाती का जख्म हुकूमत का लगाया हुआ है। तो तू की समझनी है हुन वो जख्म ठीक हो गया हो जावे। जे 10 साल पहला इस जख्म नू छेड़ देंदी ते खबरे तू हैदरी नू चुके वेड़े बाहर सुट देंदी। उन्हें पहला सुट दी, पर तेरा सिर ला के उस बादशाह दे दरबार विच जरूर भेज देंदी जिन्हें मेरे सुहाग दी लोह विच डुबी पग वापस भेजी। की पी कहनी है भैने? मैनू भैन ना आख धोखे पासे, मेरे कोलो ये नेकी करवान दी बजाय जिन्हें सच दे लोह नू उछालिया ते झूठ नू पलण लई मेरी छाती ते सुट दिता ते हुण उस तकदीर दे भेजे तोहफे लै के मेरे दुद्ध दी लाभी देण आएंगे। मैं कहनी आ ना अपनी उस तख्त ते बैठी तकदीर नू कह दे जेड़ा लो तू अपने दरबार विच डोलिया सी, तेरा पुत्र अज उस जिस्म दा खून पी के पलिया वे। उहनू कह दे मेरे सिर दी चादर साड़ के उहनू तसल्ली नहीं सी होई जेड़ा हुण मेरे घर नू सुआह कर। तैनू अपने दुल्ले दी कसम है मैनू माफ कर दे पैना। खुदा दी कसम तू हैदरी नू पालिया नहीं, बादशाह दे ज़मीर कोलों अपने खामद दे कतल दा बदला लिया। मैंने झूठिया तसली छोड़े दे, मैं कहने के तो चली जा। जे नहीं मानते ते मैं बादशाह दे बंदे वापस ले जानी हां। तू हैदरी कोलों अपने सुहाग दे उजड़न दा बदला ले लवे, असीं सवेरे आके ओदी लाश वापस ले जावांगे। नहीं हैदरी मेरा पुत्र है, बादशाह दा पुत्र नहीं। मैं अपने पुत्र कोलों अपने गवां दा बदला नहीं ले सकदी। तू ए बदला बादशाह कोलों लेना चाहे ते ए चिराग बुझा के पूरे महला च नेर कर सकनी है, तू जो जी चाहे कर सकनी है। असि हैदरी नू लेके नहीं जांदे, चलो चलिए। ठहर जा बहन, मैनू किसी इम्तिहान विच पा चलिए। हैदरी दी जिंदगी मैनू दुल्हे दी जिंदगी तो वध के प्यारी है। तुसी अपनी हवालत लै जाना, पर दिन दी रोशनी विच नहीं रात दे अंधेरे विच जदों मेरा दुल्हा सौ गया होवे। चलो मां असि हुण सौं जाइए। नहीं पुत्र, मैं चाहती हूं कि आज तुहाडे दोहां विचों मेरे पलंग ते कोई सवे। क्यों मां, आज कोई खास गल है? पुत्र मेरा दिल भी घबराता है। तू भी साढ़े पलंग तो सो जा, मैं हैदरी तो बगैर नहीं सोना। चला गया, सब कुछ तेनी है। कॉल दे। क्या कॉल मां? वादा कर कि जे मैं तेनू दस दिया तो तू ओदे पीछे ते नहीं जावेगा। तू ये कॉल क्यों लेनी है मां? तेनू पता है मैं हैदरी तो बगैर नहीं रह सकता। मैं भी तेरे बगैर नहीं रह सकती दुनिया। तू गरीब मां का पुत्र है, यो बादशाह का पुत्र सी, उन्हें आज भी जाना सी ते कल भी चले जाना सी। जे तू ओनू लभन चला गयो ते घर भी उजड़ जावेगा ते मैं भी जिंदा नहीं रह सकती। बादशाह पुत्र सी ते वादा तोड़ के चला गया। दुलिया दुलिया की होया ई, बड़ा उदास बैठा होया वे, खेड़दा क्यों नहीं? हैदरी जो ते खेड़ा किदे नाल? हैदरी चला गया ते तू मेरे नाल खेड़? तेरे नाल खेड़ा? तू ते कुड़ी है। मैं क्या दी? मैं ते कुड़ी नहीं, मेरे नाल ही खेडो। दुलिया
चुल्हे बुला दें। नहीं नहीं मैं भूख नहीं मैं नहीं खाऊ। जिद ना कर पुत्र, तू इत रोटी सुट के बह गए, उसे तेरा यार दुला खुशी खुशी खाता हूं। ऐसे की पैदा करना है परछावा क्या? कल इतने दो परछावी सन ते आज कल्ला ही रह गए। ऐ वेख हुन फिर दो परछावे हो गए नी। कर दितियां ने छोटी होंदी तो रोज ही मिलनी सा, पर हुण जवानी स्यापा ही है, तुहानु मिलन वास्ते सौ सौ बहाने करने पैंदे ने। मैनू वी छुप छुप के मिलना चंगा नहीं लगता। मैं क्या हुण पहले वाली गल नहीं रही। पहला की सी? पहले सारा सारा दिन बागा च फिरना, तितरियां दे पिछे नसना, ते फिरदे ही रहना, कदे भी किसी ने कुछ नहीं सी आख्या, ते हुण जरा भी देर हो जाए ते बेबे दे दिल नू काटे पैन लग पैंदे ने। तेरे बगैर साडे दिल नू काट पैंदी है, कदी हाल भी पुछे? ओ जे दिल नू काट पैंदी है ते बीमारी वाले औलियां दा मुरब्बा वर्क लाके खांदे ने, ते नीलो फरदा शरबत भी पींदे ने। ऐ तू हकीमनी कदों दी बणी है? हुण जान दे, बड़ी देर हो गई है। जरा खलोते जा। ना जी ना, मैं रज्जी दे घर दा बहाना करके आई सा, ते जे रज्जी साडे घर चली गई ते बेबे मैनू कुटेगी। सलाम मासी, नूरा अंदर है? अंदर।
नहीं पुत्र, वो तो तेरे वाले गई सी, तैनू नहीं मिली। मेरे वाल आहो मासी, निकी भी कहनी है नहीं मासी, आहो मासी मेरे वाल आ लैन दे सुकार, पूछ लेनी अज मासी। ओनू कुछ ना कहीं इतने गई होनी, हुणे आ जांदी। अच्छा तू जरा अंदरों घ्यो दा कुझा ते फाड़ लिया। बेबे की भी करनी है? नीतिए कितों आई है? बेबे रजी वालों। हला फिर रजी ना की गल्ला हुई है? गल्ला की होनी है सन, मैं गई तो रजो दे चाचे की तबीयत ठीक नहीं सी, मैंने उथे बहना पै गया, बड़ी मुश्किल ना उदे कोलों जान छुड़ा के आई हूँ। आहो धीए ठीक ही कहनी है, गुडियां पटोले खेड़ दी हुण मां नूं वी खड़ान लग पई है। फाइनल केड़ी रजी वाल गई सा? बेबे मेरी गल तो सुन, जे अधूरी रह गई तो पूरी सुना ला। तू भावे रजो को पूछ ले, क्यों रजो तेरे चाचे की तबीयत खराब है ना? आहो मासी नूरा ठीक ही कहती है। झूठ तो मैं ही भी बोलती हूँ धीए, तिया जदों जवान हो जाए तो उन्होंने मावं झूठ ही बोल दिया होंदिया ने, तेनू की पता हो? मैं ते तेरे नाल तेरा परछावा भी वेखदी है तो मैनू कमड़ी चिड़ पैंदी है। बेबे मैं तेन अंदरों लेप लिया दिया, नी रोवे लेफा नू, किसे नू परावां दा माण हुंदा, किसे नू बाबल दा माण हुंदा, ते तू कड़ी उकात ते पहला पानी फिरनी है, मेरे सिर ते सवाह नू पुआ दे। क्यों मैं की कीता है, मैं गुस्से होण लग पैंदे हो। मासी नूरा जी सारे पिंड च एक कुड़ी ने, ऐवें इन्हां नू राज होया कर। आहो रजो मैनू ऐवें ही गुस्सा आ गया सी, जा तू जरा जाके नूरा का दिल राजी कर, जा दिए अल मसी। ना रो बलिए ना रो, छोटिया मोटिया झाणा तो घबरा गई है, होनिए इश्क करने वाले ते थां थां ते बेइज्जत होंदे ने। नहीं मैनू बेबे दियां झाड़ां दा कोई गुस्सा नहीं, सारा कसूर तेरा है, उसने तू बड़ी सियानी बननी है, मेरी खातिर थोड़ा जा झूठ भी नहीं बोल सकी। लख झूठ बोलो, एन इश्क ते मैं मुश्क भी कदी लुके रहे ने, जे मैंने तो बच रही ना ते दुल्हे नु कट मिलिया का। नहीं पैड़ी मेरा ते जी करदा हर बिलो दे सामने बैठी रहा, खावा ना पीवा ते ना ही अख चमका, ओनू वेखती रहा। अज किन्ने दिन बाद ते मिलिया सी, कहंदा सी बड़े जरूरी कम्मां च फसे आई। मैं जानी जड़े कम्मां च फसे है, पर वाजे ने कहा सी किसे नु दसी ना। नहीं मेरे कोलों भी लुकानी है, जा अज तो तेरी मेरी बोल कलाम बंद। तेरी मेरी बोल कलाम से मौत ही बंद करा सकती है, ले सुन ले, बाजे ने किया सी कि दुल्हे ने एक एक गुफा विच तलवारां बलमां ते बंदे कट्ठे कीते ने, ते रल के लम्मे ही डाके मार दे। हाय मैं मर गई, तुझा डाकू बन गया। गोरा रंग बिलोरी अखियां, गोरा रंग बिलोरी अखियां, खिच के सुरमा पाया, हथ सीने ते तर ना छड़ियो, हुसन सामने आया। गोरा रंग बिलोरी अखियां, गोरा रंग बिलोरी अखियां, दे दाने
सरदार आ गया को भूचाल आ गया ले सरदार आ सरदार तुहाडे हुक्म दे मुताबिक साडे बंदे ने लाले तनी राम नू गिरफ्तार कर लेता मैं पूछना इन्हां नू किने बुलाया तुहाडे गुलाम ने बुलाया इस समुद्री कछू कुमे दी गिरफ्तारी दी खुशी दे विच कोई मुजरा ते होना चाहिदा सी तानू नहीं पता मैनू बेगैरती ते बेहयाई दी महफला कोलों सख्त नफरत है तलवारां ते टालां च रहने वाले लोग जिदों तबरे ते संगी नाल प्यार पा लैंदे ने बर्बाद हो जांदे ने मैं फिर कदी ऐसी हरकत ना वेखां कुड़िए दूर हो जा मेरी नजरां तों जा तफा जा रवो तोले कड्डन नू हुणे साडे साह कढवा देण लगे सौ जाओ माणो इस्माइल एदी मुशा खोल ले हुजूर मेरे नाल बड़ी बेइंसाफी होई है तू अपनी इस नाल इंसाफ कीता है सियाल दी ठंडियां रातां विच गरीब तेरी हवेली दी कंध थले पाले नाल लाकर आकर के मर जांदे ने तू कदी अपने मुंह तू रेशमी रजाई ला के बाहर आके देखे हुजूर मैं बड़ा गरीब बंदा मुंह ते जुगे रह के वक्त टपाया है तीला तीला पैसा पैसा जोड़े ऐ दौलत तो मेरे खून पसीने दी कमाई है सरकार तू तो दिन दे चानन दी दाके मारना है तेली देखे हवेली खो लेना है केड़े खून पसीने दी कमाई है चंगी तरह जानने सरकार दौलत मन दे दियो मैं कर जाने ही गरीबा च वंड देंगे सानू तेरे ते इतबार नहीं क्यों सरकार इस गल्ले के तेरी पहले सेहत कमजोर है तू घर जाने सारा माल हड़प कर जे ते कौन जिम्मेवार है ज्यादा सी ये दौलत गरीबा नू लावांगे ते तेनू चील लाके पावांगे जिन्ना हाथ नाल तू गरीबा दे गल कुटे ने उन्ना हाथ नाल अपने सामने दौलत तकसीम करावांगा चल तक अभी आदमी इतराओ तेन चुक के उधर ले जाओ बेवा औरत से यतीमा वास्ते रह मैनू दे दे सारी थैली तेरे हाथ क्यों कंबे ने बदी का सौदा कर लगे तेरे हाथ नहीं सी कंबे ते नेकी का सौदा कर लगे तेरे हाथों नू कामे छड़ गए लो जनाब लो ए थैली समुद्र खान दे रहे सारी थैली आओ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦਾ ਦਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਵੱਤ ਰਹਿ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਦੋਤਰੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮੇਰੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣ ਗਏ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ ਓਏ ਅਜੇ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਰਬੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਹਾਂ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਹਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਚੱਲੋ ਟਕਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ हिमायत करने वाले हाकम नु जुटी दी नोक ते लिखता तू हो जा सरदार दफा करो इस पीपे नु इन्हें दरबार की पहुंच रहा जे पहुंचा भी तो किश्ते पहुंचेगा नहीं तो राज गुजर जाएगा सरदार मैंने भी इजाजत बख्शो एक बड़ा बेजरूरी काम जाना है आए तो खुशी ना जा सकना है सलाम अलैकुम परवाजिया जी अरे गल सुन ना हां जी और जरा माल तुर्की ते कढ़ बस ना यार कियो तुसे मखौल पे कर दे जी माल माला खेत ला ले मान ना मेरे कोल ते हिला ओ चलाके ना ला ए चलाके ली केड़ी गल जी मेनू खड़का के दे लो हिला के दे लो सीधा करके दे लो उल्टा करके दे लो माने एने जी चीज नहीं निकलेगी जे निकलेगा तो थोड़ा पसीना निकलेगा माने वरना ऐसी तो कोई गल मेरे को ऐसे चिरक मार नहीं सरदारी अपना कुछ मेरा अल्लाह भी कर ओ सरदारी माने किसी ने शरारत की है नाले की जगह हार पाते माने मेरा कोई कसूर नहीं मैं तुम पता मैं नमक खराब देगा नहीं मैं तो हाल वास आते नाले जगह हार पा देता है कर छोड़ा चित्रे करे मेनू मने क्या वोटिए के परिजात है दुकान ते जान ते दिल पे नहीं करदा मने क्या बशीरा मैं हट्टी ते जाना पिया ते अंदरों कुंडी मार ले वे मेरी गल सुन के जान ले अज मैं कुंडी कोई नहीं हो लानी क्यों ऐस ले के तू अपने दिल नु टकाने रखिया कर जिन्ना माता नु अपनी बीवियां ते इस बार नहीं ना हुंदा ओ कदी भी सुखी नहीं हो वसदे मेरी गल का गुस्सा ना करया कर
500 रुपए की मैं तेरी मझ वर्गी नशीली आख दे एक इशारे दे 1000 रुपए कुर्बान कर सा चलिए जरा हंस मैंने कुंडी बंद करने तनी इस वास्ते किया सी कि किधरे आंदे जांदे राजन दी बार दी नजर तेरे ते ना पावे तन्नू बिज पावे हल्ला तन्नू भी बिजली पावे हो जा अच्छा जी मैंने के जरा हंसी मार छोड़े आलम दी बेबे कुंडी ला आलमा चलो ठीक है शुक्र है बीच मेरे मगरों लग थी ध्यान ना लो किधर खुरपा पीछे ना आ जाए वाजा मैं तेनु हुने याद पे करती सा तेरा की हाल है वाजिया बस आजकल दे बिसुरा ही वजन डे अरे छड़े ना गल्ला नु ए दस मेरे लिए सुच्चे मोतियां दा हार ले आंदा मैं के सुच्चे मोतियां दा हार ते नहीं मिलया होर की मिल गया आ दवानी दियां रेवड़ियां ले हाय मैं मर गई वे तो किन्ना चंगा है वाजिया मैं के बशीरा हां मेरे ना रेंग ते इसे तरह ऐश करावांगा अरे मैं तो तेरा फिकर ही लगा रहंदा क्यों तू दिन ब दिन सुखदा ही जाना है मेरा मतलब है कोई डंड बैठ का कटिया कर गल सुन तू मेरे नाल प्यार करना कोई कौडी नहीं खेलनी या डंड बैठ का कटिया कर अरे गल ए वे देखना जान है तो जान हां ए गल तो मनन वाली है भी जान है तो जान देखना मेरा मतलब ते ए वे सवेरे उठ के बादाम रगड़ के पी दूध विच जलेबियां पा के खाया कर ते जान बनाया कर ए क्यों नहीं कहंदी के करदियां नु खाया कर हाय मैं मर गई वे रोना क्यों है लराती मैं तू जलेबियां खादियां सन ते सवेरे मन्ना हलवाई आके मेरे बुए दी कुंडी खड़कान दे सी निकलो पागल दे पुत्रा पैसे कड ते दस मैं पैसे कुत्थों दे वे मैं तेनु किन्नी दफा समझाया है जब तक मैं जीवनी है ना मैं तेनु पैसे वालो थोड़ नहीं आन देंगी ओए अल्लाह तेरा भला करे टंगसाल बेग में नाले मैनु एक गल ते दस ओ की ओ जेड़ा तेरा दुल्ला यार है ओ तेनु कुछ नहीं दंदा ले उने मैनु कई दफा दित्ता की दित्ता धोखा फरेब होर ने मैनु की देना ते नाले पते मैनु की कहंदा की कहंदा ओ तेनु जिन्ने पैसे दी लोड़ है मेरे को लल्ला ते बशीरा नु भुल जा मैं कह कोई अकल दी गल करो तेरी होने वाली भरजाई नु भुल जा मैं ए नहीं कर सकदा मैं ते कदी मैं कह गुजर गई हां वे तू मैनु भुलते नहीं जाएगा वाजिया नहीं कलांट बेग ने ओ मैं तेनु कब्र दी कंधा तक नहीं छड़ना जेड़े कब्रिस्तान च दफनाया जाना मैं उथे गोर कंध लग जाना चलो मैनु मंजूर है छिड़का ते करया करेगा ना ऐसी कब्र ठंडी रखांगा तेरी अरे छड़े ना गल्ला नु इधरा गल सुन नहीं ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਨਗਦ ਬਾਤ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਅੜਿਆ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਬੇਸੁਰਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ ਅੱਛਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਆਹੋ ਐ ਲੈ ਫੜ ਤੇ ਯਾਦ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਜਲੇਬੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਵੀਂ ਤੇ ਜਾਨ ਬਣਾਵੀਂ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਲੱਭ ਦੇ ਖਾਲੀ ਕੀ शिकल किस तरह शकल गोरा रंग ते सजी गल ते दिल ते कहंदी है रोज मिल सजी गल ते काला दिल मने क्या भावे आज उन्हें कपड़े कहीं से पाए सो गुलाबी कपड़े उत्ते काले फूल हाथ च कालियां चूड़ियां नाल पता नहीं गजरे ने फिर कदों मिल से उन्होंने बस सुबह सवेरे ते फजरे आखाना बड़ा मैं तो पुतूर और मिठाई तो लेना जा भूल गए ऐनी देना लाइए नूरा मैं तो उड़ीक उड़ीक के टूर चलिया सा आज मैं तड़े ना लड़न वास्ते आई हां लड़ना ही ते फिर चला तीर मैं सुनया तुसी डाकू बन गए हो है तू ते सुने मैं ते अखी देख ले किन्नो तेन मैं किते डाके मारे ने साडे दिल ते गल्ला च गल्ला ना पा मैं सुनया तुसी गार विच तलवारां ते कोड़े इकट्ठे कीते होए ने होर भी डाकू ताडे नाल ने आ तू ते खलीफा हो जे मजाक च गल ना पा एदा मतलब है मैं जो कुछ सुने वो ठीक है आहो ठीक है तुसी इस तरह क्यों करते हो
की दसा नूरा, जे पिंड किसी कंडा चुभता है तो पीड़ मनु होंदी है। मेरे को गरीबा ने तकलीफा नहीं देखिया जांदियां। जे तानू कुछ हो गया ते चलिए, जेड़ी रात कवरी च आनी है और बाहर नहीं आनी। तानू मेरी सौ, मैं तानू लोह भरिया तलवारा नाल नहीं खेडन देंगी। तू तो बड़ी वड्डी सौ पा दित्ती है, एदा मतलब ऐ वे जे कोई मेरी एक गल ते चपेड़ मारे ते दूजी मैं आप अगे कर देवा। आहो आहो ते आहो सही। रजी तू हथा ते मेहंदी ते व्याह दी रात नूं आ गई है। मेरे प्यो ने 17 वरिया के बुढ़े को रुपया ले ले ते वो मैनू व्याह ना रहे। मैं कहनी दुल्हे नूं कहो दी जंज डक लवे। जी नहीं, मैं क्यों डक लवा? मैं ते आज तू यह फैसला कर लिया कि जे कोई मेरी एक गल ते चपेड़ मारे ते दूजी मैं आप अगे कर देवां। मैं तुहानू कहनी जंज डक दिओ। नहीं 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 नहीं, चल बेनसीबे, जे रब ने तेरी बांह छाड़ दी है ते बंदे की देने, मैंने तेरे को उम्मीद नहीं सी। नूरा रब का वास्ता है, एना तू तेरी आवाज बंद करा दे, नहीं तो मेरा दम घुट जाएगा। आज मेरे डोली नहीं, मेरा जनाजा ही उठेगा। जे तेरे नसीब चंगे होंगे ते दुल्हा इस बुढ़े की जंज ना डक लैंदा। दुल्हे नु तेरा जरा भी ख्याल नहीं है, जे उन तेरे नाल प्यार हुंदा ते ओ तेरा आखा ना मान लैंदा। उन्हें मेरी गल नहीं मनी, मैं भी सारी उम्र ओहदी शक्ल नहीं वेखांगी। मैं क्या सौरा जी, मेथों जल्दी नाल हां खिलवा लो, नहीं ते मैनू दिल दा दौरा पैण लगा जे। ओ जवाना जहाना नु इहो जे दौरे पैंदे ही रहंदे ने। पर खुरदार तू काजी वरा नु कायम कर, भला मैनू की इनकार है। लो काजी जी, अपना तेल ते हुण शुरू हो जाओ। माशाल्लाह बरखुरदार तुहाडा नां। काजी जी मैं दसना वा इहदा नां, इह वे नाल दे पिंड दी खंगड़गां जिहड़ी खुर झाड़ के ते गरीब दी मुहब्बत नूं ढुड मारना चाहुंदी ते मलका इहदा अपना भज जाणा। ओ कौण हो तू? मैं तेरी ना होण वाली बुढ़ी दा भरा, मैनू एवें ना तपा। और बुढ़िया कुछ होश कर, और लमटींगा छुतर मुर्गा तेरिया कबरी च लत्तां, और व्याह दा ख्याल छड़ ते दरिया विच बगल वांगू इक लत्त खलो के मच्छियां फड़ जा, इबादत कर जा मर। और मेरा मुंह देख दे जे, और रंग विच पग पा रहा जे, फड़ लो इहनू। आ फड़ लो, मैं इहदियां सलामियां खोह लईआं ने। ओ वेंदे की जे, फड़ लो इहनू। कमांडर बाजे नूं हत्थ लाया, फुट जा जांदा। दुल्ला पट्टी ललकार के आखदा है ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जरूर होएगा, पर नकार नहीं ये चलीसमा, आज तो 40 दिन बाद कबूल नहीं होंदा। साढ़े सज्जन बौड़े ने कि नहीं, बाकी दुल्ले ने तो कमाल ही कर दिता है, नहीं ते मैं इस पुराने बेड़े से बेंदे ही डूब जाना सी। नहीं तौबा कर, साढ़े होंदे कोई गैर तेन किस तरह डूब सकता है? अल्लाह की मेहरबानी ना, असं अपने हाथी तेन डूबांगे। ला साढ़े सज्जे गोड़े नूं हाथ। मैं क्या फिर खबे नाल गुजारा नहीं हो सकता? नहीं ला कि बुलावा उस दमे वाले लाड़े नूं, बाबा दमा गोड़े लवा ले। तू तो गरीबा का हिमायती सें दुल्या, पर अज तू एक गरीब प्यो कलो अपनी मर्जी नाल दीदे उनका हक भी खोड़े। रजी तेरी नहीं, मेरे पिंड दी ती है, तो मैं इस पिंड का पुत्र, मेरे होने मेरी भैन से जुल्म नहीं हो सकता। मैं जुल्म नहीं किया, जुल्म तो मेरे से होया दुल्ला जी, मैं तो ब्याह ली 1000 रुपया भी दे चुका। चुप कर बुढ़िया, मैं तेरी कोई बकवास नहीं सुनना चाहता। अरे भजिया, गरीबी विच ईमान नहीं बेच दई दा, तेनू 1000 रुपये की लोड़ सी, वो तू ले लिया, हूं मैं आप इधर निबड़ा। चल बुढ़िया बाहर निकल, चले लेकिन कहा पड़ ला झूठिया लाड़िया। आ जा, मैं कोई मामूली बंदा नहीं, मैं भी सरकारी दरबार मनिया परमनिया बंदा वा, मैं हाकम के दरबार जाके रोवांगा पिटांगा। जिथे मर्जी हो जा, दुल्ला पट्टी रब दे सिवा किसे नूं अपना हाकम नहीं समझदा। दुनिया नू
ਮੇਰੀ ਮਨ ਚਾਰ ਜਨ ਪਾਈ ਕਦੇ ਨਾ ਘਬਰਾਈ ਬੇਬੀ ਬਾਲੋੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਚਾਦਰ ਛਲਕ ਗਈ ਛਨ 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 ਉਡਾ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਜਣਾ ਦੀ ਮਨ بڑے ضروری فریادی حاضر ہوئے نے سرکار زانی خان تو چنگی طرح جاننا اسا خالی فریاد کدی نہیں سنی اینا فریادیوں نے نظرانہ پیش کر دیتا ہے سرکار جے گل تے پھر انہوں نے پیش کیتا جائے اسی پورا پورا انصاف کران گے تو ہائی ہے سرکار اسی لٹے گئے اسی مارے گئے شور کیوں مچا دیو کلے کلے گل کرو سرکار ہزور اے اس نور خان دا پتر ہے جنوں ہزور نے بادشاہ دے دربار وچ مروا دتا سی دلہا نور خان دا پتر ہے یہ دا مطلب یہ ہویا کہ اسی سپ نوں تے مار دتا سی پر سپ دے بچے کولوں غافل رہے ہاں رانی خان حکم سرکار فوج دا پورا دستہ نال لے جا تے دلہے نو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے ساڈے پیش کر ایک دلہا کی سرکار جے حکم ہوئے تے اس ناں دے ہر بندے دا سر لا کے حضور دے قدمے وچ لایا ماں جے دلہا گرفتار ہو جائے تے او دے گالے چھتراں دا ہار پا کے ساڈے سامنے پیش کر اس کام وچ اسی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کران گے میں جانی آرام نال بیٹھا نورا تینو جان دی کالی پی رہی ہے میرا تے جی کردا ہے تو ساری عمر میرے سامنے بیٹھی رہ میں تے آپ پہچانی ہاں کہ تیرے کولوں ایک پل وی جدا نہ ہوا پر سب کچھ تیرے واس وچ میرے اختیار چ نہیں اے میرے واس وچ کس طرح ہے دلاں نوں جوڑنا ہوے تے پہل منڈے والے والوں ہوندی ہے تو اپنی ماں نوں میری ماں کول کیوں نہیں بھیجدا کدوں تک اسی اساں لک لک کے ملدے رہاں گے अच्छा ए गल ते मानू आज ही ताड़े घर भेज देना ले नहीं पहना हुन तू जो आ बैठी है ते मैं तेनू खाली हथी किने टोर सकनी है आज तो नूरा तेरी धी हुई शुक्र है रब दा जिन्ने मन दियां मुरादा पूरियां कीतियां मेरे वल्लों भी लख लख मुबारक हो जुग जुग जीवन ते जवानियां माण Thank you.
बाजी जित ले हो बाजी जित ले ओ जिंद प्यार नावे लाके हो छल्ला पाया हो छल्ला पाया मैं हाथ बिच ढोल दा सोने ढोल दा बाजी जित ले तार गल विच मोतिए दा हार जिस्म ते हलका हलका बुखार खौरे मैनूं सुर दी मार वे बाजिया अल्लाह दी सुन मैनूं भी आहो अल्लाह दी मार वेहो जियां गल्लां ना करिया कर मैं ते हर वेले तेरा ही गम खाई जांदा है की मैं पाए लग चले वे नहीं तू तो दिन ब दिन सुकदा ही जाना है वे मैं तेनू किन्नी बारी समझाया डंड बैठका कढ़िया कर ओ मैं ते तेनू कढ़न नूं फिरना ओए चलिए सुकिया डंड बैठका लाल छाती च खून आना शुरू हो जाता कुछ समझ भी कर मैं इंज लगता कि साडा चल जाना अनार हाय 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 बेन जी ना कमी तू मंग साडे कोलों ना संग ए गल ते पा सूटा ते आ सिर पंग दे पैसे कर दे 10 रुपये फटाफट छेती कर ऐले फड़ चरस ना पिया कर तेर चू भी कुछ पाया कर तेरे करा मोछे तड़े मोछे ते लै हुण मैं चलिया ते चल के सन जान बना दे उस्ताद जी अज सवेरे सवेरे बीमार खच्चर वांगू मुंह को लुटका के बैठे ओ निक्के पुतूर मैं पिया सोचना वा करू कोवे के सवेर दी कोई वट की नहीं होई तेरी उस्तानी नु की जवाब देता मैं ते कहना उस्ताद जी ओनु साफ जवाब दे दे ओ पागल दे पुतूर मनु ए दस के मैं सवेरे किदा मुंह वेख्या सी उस्ताद जी तुसी सवेरे शीशा वेख्या सी हां शीशा ते मैं वेख्या ओ शीशे ते मेरा मुंह सी मेरा मखौल उडल तौबा कर कल पकूड़ मैं क्या चंडू
आवाजे चरस पीएगा के चंडू हम मिरासियां ये गलां तो बाज ना आमी और छाड़े ना गलां नो की है ऐसा कर शेर दूध दे विच आस जलेबियां कोर के मैंने प्याज रा पेंडेंट कोर हो गया चित्रे तू ये दस ये पैसे इन्ने कितो लेके आने तू वो तेरे ही है के नहीं हैं वो चल यार तेरे मेरे पैसों को दोल ठीक है कोई नहीं अच्छा मैं दस के तेरी पाती दा की हाल है सिंगाड़े बस ठीक ही है वड्डे आलू बुखार है मैं क्या आज उन्हें कड़े कपड़े पाए सन हाय हाय कपड़े काली कमीज फुला वाली तो सिर ते काला दुपट्टा तो पैरां जुकार कट्टा आज मैं मुकाय दियांगा रट्टा मेरा मतलब है वे क्या इस तुम उस काले दुपट्टे वाले दा कार दा आया अस्सलाम वालेकुम आ नसवार खान अख्वाम को दुल्ला बट्टी का घर जाना है भाई क्यों तू उन जीत खुआनी अच्छा जरा ठहर जा मैं कभी साडा ते मेहमान आ गया अच्छा अब खुल के गल करो के क्या फरमाती हम काबुल से माल लाती है भाई क्या वहाँ से पेड़े लाती नहीं नहीं हम उधर सीधा जवाहरात लाती है भाई अच्छा अच्छा बस ठीक है अब हम दुल्ला पट्टी के घर जाती उसको आवाज लगाती वो बाहर आती तुम्हारी मुलाकात कराती तुम खसमों को तो नहीं खाती अच्छा अच्छा नसवार खाती चलो बेहद आती रुको मैं पठान मेरी मालूमात विच ही रह गई है वाह वाह सुभान अल्लाह किड्डा सोना पठान है तू रिश्ता देना है कौन है कल पकड़ कल पकड़ कल पकड़ कल पकड़ कल पकड़ उस्ताद जी मैंने तुसी गोपी दा फूल ही समझ लिया है मिनट बाद त्रौका ला देंदे हो कौन है भाई अंदर आ जाओ सलाम सरदार कौन है की गल सरदार काबल तक पेड़ आई है कुर्बान होना से तो आने गल करना चाहती खो पटी दुल्ला जी हम शेर खान के लाती काबुल से आती हमारा बड़ा सरदार जुनाबे वाला को अपने खेमे में बुलाती और तेरा बड़ा सरदार खुद क्यों नहीं आया सरदार एक कह दी कि उसको वारी का ताप चढ़ न जीती न मरती बस पिट पटैया कर दी बिल्कुल तुम ठीक फरमाती अगरचे हमारा बड़ा सरदार बीमार ना होती तो खुद इधर तशरीफ लाती खेमे कितने ने सरदार वड्डे बाग दे पिछले पास तू चल असी आने गुस्ताखी के हम चाहते हैं माफी अगर छे आप बर वक्त नहीं आती हमारा बड़ा सरदार हमारा गर्दन से नहीं करते ओहो तू क्यों घबराती मर मुक जाती तू जाती हम आती आग तुम्हारा फातेखा नहीं कराती वाजे खां परवरदिगार तुम्हारा भला करती आप जरूर आती जरूर आती और तेनू जी आखिया ऐसी जरूर आवांगे दुल्ला पट्टी अपना वादा पूरा करते अब तुम यहाँ से फुटा खाती अस्सलाम वालेकुम ठहर जरा अखा बंदवाती आ काबली पेड़ तेन वाड़े छाडा वा मैं शुक्र करना रानी खान कदे उन्हें मेरी मुछा नहीं पट लिया नहीं तो उन्हें मैं हलाल ही कर देना सी अच्छा फिर क्यों होया बहादुर खान रानी खान दुल्ला बड़ा बहादुर ते जीदार है कौल ते करार दा पक्का मालूम हुंदा है मैनू कहन लगा तू चल ते मैं तेरे मगरे ही आना ते फिर तू उन्हें नाल ही लेके आ जाना सी ओ तौबा तौबा कर रानी खान शुक्र कर उन्हें हथियाना मंजूर कर लिया कोई ओ ते मानदा ही नहीं सी मैनू कहन लगा जिन्हें मेरे नाल गल करनी है मेरे कोल आवे मैं उथे क्यों जावा सरकार दुल्ला आ गया जी ओए दुल्ला आ गया और तुसी बलवंत शेरां दी मां किधर आ गया थोनी होंदी तू मैनू तोखे नाल बुलाया बुजदिला ओए टिकटिकी नाल बंद होइन बहादुरला गिरफ्तार तेज कर लिया आपने रफ्तार बेड़ा गर्क हो भी जान की बाजी लान फिर तू टके टके दी गला करना क्या गल है तू हुक्म कर तू जान की बाजी पैसा ना उल्ट बाजी ला देती है क्या गल है चुप करो किसी बाजी करते पुत्र लफड़ कर झट पट ते अपने पैसे वट तो फिर कुनाली झट मैं तो सामने नजर आ रहा मौत का समान इस तरह कर पहले तू जा नहीं पहले तू जा मैं नहीं जाना मैनू पाला लगता है मर भी चला भी सुनो तुसी सानू बचा लो मोतियां
ਇਹ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਾਂ ਵਧਾਈ ਮੰਗਣ ਦੇ ਪੌੜੀਆਂ ਲਿਆ ਤਲਵਾਰ ਲਾਈ ਜਾਣਾ ਪਰਾਂ ਹੱਟ ਬੱਚੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਬੂਟੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਸਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਬਾਲੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਗੌਰ ਕਰ ਲਵੋ ਇਹ ਬੁਲਬੁਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਧਰ ਹੀ ਗੱਡੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਸੀਸਾ ਤੇ ਦਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਗਲਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਣ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਮੋਤੀਆਂ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਜਮਾਨ ਹੋ ਤੇ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਲੇ ਪੱਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ ਰਸੂਲਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦੁੱਲੇ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ 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 ਐਸੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮੇ ਤੇ ਐਸੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਕੇ ਬਾਜਦਾ ਤੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣ ਡੈਣ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਲੈ ਆਇਆ ਓਏ ਬਰਫੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੱਡੂ ਤੇ ਚੱਖੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਫੀ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਚਹਾ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਐਲ ਓ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਐਲ ਓ ਜੀ ਫੜ ਤਲਵਾਰ ਕੇ ਧਣੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕੇ ਬਾਲੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਡੋਲੇ ਨਾ
सरदार पाथियों से चलो चलिए। बकवास ना करे। अच्छा जी तुसी चलो मैं इतने आराम करना। अच्छा टुरे। अच्छा जी क्यों लिया सरकार एदी बदौलत लाशां बोपियां छड़ दियां ने ए ओही बुलबुल जान जिन तुसी धक्के मार के बाहर कर दिता सी। अच्छा इन्हां दी मुछां दाड़ियां मुनके हाकम दरबार भेज दे। अच्छा जी पहले साबन ते ला है खाना खराब दे पुत्रा किड्डी लाश शराब का एक जाम एक खूबसूरत औरत इन्हें दुआ वास्ते सारी दुनिया की हुकूमत कुर्बान कर दी है। घट किड्डे उच्चे ने ख्याल तुम तो इस मुल्क का बादशाह होना चाहिए थे। मैं जिस वेले चाहवा इस मुल्क का बादशाह बन जा जिस वक्त चाहे तख्त मेरे कदमे च आ जाए पर मैं तो किसी अच्छे मौके का इंतजार कर रहा। रानी खां शेर खां तुसी बोलते क्यों नहीं ताडे चुप ते होलिए किसे बड़ी वड्डी जिल्लत की निशानदेही कर रहे हैं। दुल्ला नूं गिरफ्तार करके लिया कि नहीं? मैं शर्मिंदा वा सरकार दुल्ला मेरे अंदाजे तो बहुत वध निकले। तेनू ये गल करन तो पहला डुम भरना चाहिए सी। दुल्ला जा छोटे मोटे बागी फौज मुकाबला तेरे को जरूर कोई हिमाकत होनी है। बड़े सियासत को काम लिया सरकार पर इंज मलूम होंदा है रसूलपुर के बहुत सारे लोग दुल्ले की मदद कर रहे हैं। जे गल फिर दुल्ले की इस गुस्ताखी की सजा पूरे रसूलपुर दो उन्हों को जबरदस्ती दोबारा लगान वसूल करो जरा लगान देन तो इनकार करे वह घर बार सार दो उन्होंने इन्ना को तंग करो कि वह दुल्ले पढ़ के मेरे दरबार पेश करने मजबूर हो जा। कख ना रहे बकना बुढ़िया आज तो इस पिंड वाले को इस तरह लगान वसूल किया जाएगा। बुढ़िए तेरा करारा किथे गया? वो वाई दे गया ते फेर लगान तेन दे पाएगा ते कुछ भी नहीं है फार मार का डरे होर तो मेरे को कुछ नहीं बाकी आंधी फसल तो देंगे। बोली ना ओए तुम्हारा फर्ज पूरा नहीं होया इस दौलत दे इलावा दुल्ले की गिरफ्तारी बहुत जरूरी है हुण तुसी जा सकते हो। दुल्ले दे सिवा किसी होर दी तलवार तेरी गर्दन तक पहुंच सकती? मजलूमा ते जुल्म करन लगे तेन खौफ नहीं आता मौत नू नेड़े वेख के कम गया? तेरी तारीफ बड़ी सुनी सी तू वाकई बड़ा बहादुर है पर बहादुर नेथे दुश्मन ते हाथ नहीं चुकता होंदा। मैं नेथे दुश्मन ते वार करना बुजदिली नहीं बेगैरती समझदा। फजल खां गरीबा का माल मेरे हवाले कर दे ते अपनी तलवार फड़ के अपने दिल दिया सारिया रीजा कट ले। सोच रखिए मेहमान जे तेनू अपनी जान की लोड़ है ते अपने सिपाही को मेरे को पर रहन। रानी खां सारे पिछा हट जाओ
जे मेरे को गरीबां दा माल ना होंदा ते आज मैं फैसला ही करके जाना सी। सर कोई गल नहीं फिर मुताबिक मैं जदों की सख्ती करनी छड़ी है मेरे इलाके च रेर पै गया। एक बागी दी इन्नी जुरत वध गई है कि वह कानून नू कानून ते हुकूमत नू हुकूमत नहीं समझदा। ऐसे बदमाश नू गिरफ्तार करके साडे सामने पेश क्यों नहीं किया गया? तैन नहीं पता असीं हुकूमत दे कानून नू अपना ईमान समझने। हजूर मैं रानी खां ते शेर खां नू बहादुर सिपाहियों दे एक दस्ता दे के उहदी गिरफ्तारी लई भेजिया सी। जो कुछ उहनां दा हाल होया इजाजत होवे ते पेश करां। इजाजत है चौबदार लंघन दे। ओए तुसी मुंह दा हाथ क्यों नहीं लांदे? उस दिल कमीनी हो तुसी की हाल बनाया? ये ताड़ियां तलवारां दुश्मनां दे सिरां तक नहीं सन पहुंच सकदियां ते अपने गर्दन रखवा लेनियां सन। दिलदार खां अली जा इन्हां सारिआं नूं तोप दे रख उड़ा दिओ। हजूर मेहरबानी करके पहले मेरी पूरी फरियाद सुन लो। मैं चंगी तरह जानना है सारे बेकसूर ने। आली जा ओ बदमाश हुकूमत का पक्का वैरी। आली जा टोली विच पईयां होईयां छड़कदियां मणकदियां बहुतियां खो लैंदा। हजूर 70 वरिया बाद मेरा जनाजा जायज होण लगा सी उस बेईमान ने ओ भी नजायज कर दिता। मैं ते लुटिया गया सरकार। सरकार मेरे गरीब ने सारा बाल लुट के लै गए। मैनू ते कंगाल कर दिता सरकार। मगर वो है कौन? ओदा नाम दुल्ला पट्टी है हजूर। दुल्ला पट्टी? दुल्ला पट्टी ऐसा नहीं हो सकता। जिन्ने गैरत वाली मां का दुध पीता होवे ओ इस हुकूमत का दुश्मन किस तरह हो सकता है? शहजादा हजूर मैनू पता है तुसी ओदे नाल सांझा दुध पीता है इसलिए मैं वड्डी सरकार कोलों ओदी गिरफ्तारी दी इजाजत लैना है। अगर शिकायत दुरुस्त है तो गिरफ्तारी लाजमी है। जो मेरा बेटा हैदरी भी कानून शिक नहीं करे तो मैं अपने हाथों ओदी गर्दन कट देंगा। अब्बा हजूर मैं हुकूमत दे वकार नूं इंसानियत ते ईमान दा वकार समझना मगर मैं भरोसे नाल कह सकना कि दुल्ला पट्टी ऐसा नहीं हो सकता जैसा कि बयान किया जा रहा है। हजूर जे मेरी यह गल गलत हो मैनू बाजार के चौंक च फांसी ते लटका दिता जाए। अब्बा हजूर अगर यह गल ठीक है तो ओदी गिरफ्तारी का हुक्म मैं दिता जाए। इजाजत है जनाब सिपाहियों का लश्कर लेके फौरन कूच किया जाए। गुस्ताखी माफ आली जा मैनू डर है शहजादा हैदरी किधरे दुल्ले की तरफदारी ना कर जाए। हैदरी साडा पुत्र है ये कभी भी अपने फर्ज तो गाफिल नहीं रह सकता। दरवाजा खोल कर अंदर जाके चक्की पीस लगा बरादास दी पुत्र दरवाजा खोलना खोलने की ढील ना हो बड़े मुश्किल
ਮਨਿਕਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਆ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮਨਿਕਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਆ ਖੈਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਚੰਡੂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੀਰ ਲਿਆਣੀ ਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੀਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨਿਕਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾਸ ਖਰਾਬ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਅੱਜ ਤੂੰ ਗੁਦਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤੋ ਪਤੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਖੌਂਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖਿਓ ਸਾਡੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕੈਸਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਤੋਬਾ ਵੀ ਤੋਬਾ ਬੜੀ ਮਕਾਰ ਔਰਤ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫੁਲਕਾ ਉੱਡ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਕਦੋਂ ਆਵੇਂਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਟਾ ਮੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ ਅੜਿਆ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦਾ ਤੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਪੀਸਿਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਲੈ ਹੁਣ ਰਕਮ ਕੱਢ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਈਏ ਬਸੀਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆ ਬੇੜਾ ਗਰੁਕ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਟੋਪੀ ਲੈ ਗਈ ਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਆਹਾ ਹਲਾ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਮਤਾ ਫੇਰ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਚੱਲ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਡਏ ਚਮਚੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੀ ਹਲਕੁਤ ਮਾਹੌਲ ਪੇ ਕਰਦੀਏ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਤੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹੋ ਸਾਜੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ ਕੰਨ ਪਕੜ ਕੰਨ ਪਕੜ ਕੰਨ ਪਕੜ ਤੇ ਲੱਖ ਛਾਲੇ ਤੇਰੇ ਭੂਲ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾਜੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਥੱਕਾ ਹੈ ਓ ਇਸ ਬਗੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਫੋਲ ਪਾ ਬਗਲੋਲ ਕੁਝ ਤੇ ਬੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਫਿਰ ਆਸਰ ਦੁੱਧ ਚ ਪਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪਾ ਦੇ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਯਾਰ ਪਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਪਾ ਅਗੀਆਂ ਜਾਨਾ ਬਣਾ ਮਨੇ ਕਿ ਠਿਪੁਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖਿੰਗਰ ਮਨੇ ਸੁਣਾ ਵੇ ਕਿ ਉੱਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਤੋਂ ਕੋ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ ਵੇ ਹਾਂ 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 ਕੀ ਕਾਫਲਾ ਯਾਦ ਕਰਾਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੜੀ ਆਈ ਹੈ ਗੁਲਬਾਨੋ ਐਸੀ ਛਿਲਤਰ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਦਾਣੇ ਪੀਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਦੱਸ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨੰਬਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਕੀ ਏ ਲੈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਤੇਰੀ ਚੱਕੀ ਪੀਸੀ ਏ ਬਕਵਾਸਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਾਣੇ ਪੀ ਲਓ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅਮਸਾਏ ਮਾਤ ਵੀ ਜਾਏ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਲੈ ਪਕੜ ਆਹਾ ਲੈ ਹਾਂ ਬਈ ਦੁੱਧ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਜਾਨਾ ਬਣਾ ਬੱਚੇ ਆਓ ਉਹ ਬੇੜਾ ਘਰ ਕੋ ਵੀ ਲੱਗਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪਿਆ ਤਈ ਕਿਉਂ ਇਹ ਲਫੜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਰੱਖ ਮੰਨੀ ਕੀ ਆ ਬੜਾ ਸਖੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏ ਬੜਾ ਮਾਲ ਟਿਕਦਾ ਕਹਿ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੀ ਲਾਲੇ ਹਲਾ ਹਲਾ ਸਾਥੀਓ ਮੁਜਾਹਿਦੋ ਅੱਗੇ ਬਣੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਂ ਹਾਂ ਜੇ ਇਸ ਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਚਰਬੀ ਚੜਾ ਲਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਆਂ ਤਾਉਣ ਕਲਾ ਕੇ ਇੰਜ ਫਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਖੀਰੇ ਸੂਰ ਫਿਰ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਫੁੱਲ ਕੇ ਪਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਤੇ ਫੇਰ ਨਿਬੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਵੰਡੀ ਪਾਓ ਬੜੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਮਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸਨਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਘਬਰਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਦੁੱਲੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੋ ਕੇ ਡਰਨਾ ਸਰਦਾਰ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਦਸਤਾ ਹੈ ਦਸਤਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾ ਦਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਟਹਿ ਜਾ ਸਰਦਾਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁੱਲਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਇਆ
मैं इस हमले का जवाब देने मुतलक सोच रहा। बहादरा ना लाडा लाण वाले एडी गहरी नींद नहीं सौंदे। ओए जे बहादरी दा एडा माणी ते मुंह तो कपड़ा ला के गल कर, असी मुंह लुका के सामने आण वाले नु बुजदिल समझदे। उस दिल सुते पिया ते वार करदे ने, मैं तैनू जगा के ललका रहा है। मालूम हुंदा तेरी मौत तैनू इत्थे खिच लैगी। मौत ते जिंदगी रब दे हत्थे, जे तू अपनी मदद लई किसे नू आवाज मारनी है ते मार लै। ओए जिन्हां दीआं बाहां विच जोर हुंदा किसे नू आवाज नहीं मारदे। जे बाहां ते जोर ते एडा ही मान सी ते फौज लैण दी की लोड़ सी, कल्ला ही आ जांदा। फौज दी फिक्र ना कर, मैं तेरे नाल कल्ला ही लड़ांगा। तेरे वार तो मालूम होता है कि तू कोई आम आदमी नहीं, ऐ साडा खानदानी फन है। असी तलवार नु अपना ईमान समझने, ते फिर तू डाकू क्यों बन गया? जे मैं डाकू हां ते तू डाकू नहीं? मैं डाकू नहीं, पंजाब दे हाकम दा पुत्र हैदरी हां। तू हैदरी है? हां मैं शहजादा हैदरी हां। लै फिर तैनू मेरे पहचानने विच कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तेरा भरा दुल्ला पट्टी हूं। दुल्ला पट्टी? दुल्ला ओए दुल्ला, बचपन में जिथे मेरा पसीना डुलदा सी उथे तू लव डोलन लई तैयार हो जाना सी, ऊपर जवान होके साडे तख्त ताज दा दुश्मन हो गया। ना तख्त नाल दुश्मनी है, ना ताज नाल वैर है। दुख ते इस गल है, तुसी जालमन नूं जुल्म करदे वेख के खामोश हो रहिंदे हो। साडे हाकम कहिंदे ने कि तू डाके मार के लोकां दीआं दौलतां खोह लैंदा, ते वी कहिंदे ने तू समझना पंजाब ही तेरा राज है। मेरा राज नहीं, फजल खान दा राज है। सूदखोरी बेईमानी ते रिश्वत दा राज है। यार ताडे राज विच ते अनहेर मचिआ होइआ। जे ऐसा हो रिहा ते बहुत बुरी गल है। मैं गरीबां दे हंझू पूंझ के तेरी हुकूमत दीआं बुनियादां मजबूत कर रिहा। तू किस तरह अंदाजा ला लिता कि मैं तेरे ताज ते तख्त दा दुश्मन हां? बस बस तेरियां गल्लां सुन के मेरे दिल दे सारे शक दूर हो गए। अच्छा हुण दस तेरी की खातर करा? खातर मैं करनी है कि तू? तू मेरा मेहमान है, चल घर नूं चलिए। ओ यार मेरा इस वेले जाना ठीक? क्यों? कुछ सिपाही इहो जिहे ने जिहड़े खुफिया तौर ते अब्बा हजूर कोल शिकायत कर देणगे। मैं फजरे आवांगा ते बेबे नूं मेरा सलाम जरूर रख। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
पानी पाएगा इन्हें क्या बाचो पानी तुसी पीना के ताड़े कोड़े ने तानु किस तरह पता लगा कि मैं बादशाह हूँ लग दे तो बादशाह ही हूँ हूँ रब्बी जाने चिड़िये दे के हुक्म दे असी चिड़िये दे बादशाह ते हुक्म दे गुलाम तुसी पानी पिया सकते हो जो पिया दियो किधर विच पियावा तुसी जाओ ते अखा अखा विच पिया सकते हो क्यों मेरी अखा च टूटी लगी है रब दिया रब्बी जाने ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਸ਼ਮੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸੀ ਜਤੇਸਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਪੱਟਿਆਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ੀਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਵਾ ਸਕਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੀਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤੇ ਪੀਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਲਵੋ ਚਲੋ ਗੁੱਸੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਓ ਪਿਆ ਦਿਓ ਲੈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਬੋਕਾ एक बोका होर होर एस बोके नाल ते कड़ा भर जांदा है ताडा टिड्डे के टोबा टेक सिंह तन दी प्यास ते बुझ गई पर मन दी प्यास नहीं बुझी नीलो फर बनक्षे दा शरबत पिया करो तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी दुलिया पुत्र दुलिया की गल है मां तू तो कहंदा सा हैदरी सवेरे सवेरे आ जाएगा पर वो तो हाली तक नहीं आया तेरी राह ते नहीं भूल गया राह भूल सकदा है वो अखां दे पट्टी वे बन ले तो ओदे पैर उनु साडे घर च ले आउणगे मैं ते कहनी है तू आप जाके ले मेरे कोलो इंतजार नहीं हुंदा ओ लवा आंदा होणा मां ए की है
ਇਹ ਹੈਦਰੀ ਦਾ ਕੁੜਤਾ। ਸਲਾਮ ਆਤਮਾ ਮਾਮਾ। ਹੈਦਰੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਰਵੀ ਪੁੱਤਰਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮਾਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾ। ਮਾਂ ਮਾਂ ਹੈਦਰੀ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਕਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ 15 ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਨੇ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਪੂੰਜਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਦਿਆਂ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਵਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮਾਂ, ਇਹ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸੱਚ ਦੱਸ, ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆਈ ਸਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਦ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਚਮਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਨਾ ਖੜਕਾਈ? ਤੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ? ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮਾਂ, ਪਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਸੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਦੁੱਲੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆ ਹੈਦਰੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਜਾਖਾ ਕੇ ਲਾਂਦਾ। ਚੰਗੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਹੈਦਰੀ, ਮਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੁਰਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਤਖ਼ਤ ਪੋਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁੱਲਾ ਤੇਰਾ ਮਸੱਲਾ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਚੰਗੇਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣੇ ਸਾਂ। ਆਹੋ, ਮਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਪੁੱਤਰ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਦੁੱਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਵਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ? ਉਹ ਤੇ ਵਲਾ ਯੌੜ ਦਾ ਵਲਾ ਯੌੜ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪੁੱਤਰ ਨਿੱਕੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਬੱਚੇ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਵਾਜੇ ਦੀਆਂ ਸੂਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਏ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਤੇਰਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ, ਲਿਟ ਕੁੰਡਲਾਂ ਵਾਲੀ ਏ। ਉਹ ਦਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਦੱਸੀਏ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਉੱਤੋਂ ਖਸਮ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੱਸ ਮੈਂ ਲੁਕਾਂਗਾ ਕਿਹੜੀ ਗੁੱਠ ਵਿੱਚ। ਅਰੇ ਆਵਾਜ਼ਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ? ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁ, ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾਵਾਂ। ਨਾ ਨਾ, ਕੁੰਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਾ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਛਾਬਾ ਲਾ, ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੇਚ, ਕਿਆ ਜਾਮ ਚਿੱਠ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਪਰਾਂ ਮਰਦ ਚਮਗਾਦੜ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਅਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ। ਕੀ ਗੱਲ? ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਖਾਧੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਰੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਰੋਗ ਚੜਿਆ ਆ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਤਾਪ ਚੜਿਆ? ਅਰੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ? ਬਰਾਦਰੀ ਦੇਖ ਲੋ ਮਾਇਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਵੇਂ ਚੱਲ ਚੱਲ। ਬਸੀਰਾ ਬਸੀਰਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਰਾਵੋ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਰੱਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਕਾਰ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਬਸੀਰਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਯਾਰ ਰੱਬੁਲੀ ਜ਼ੁਤ, ਕਿਸ ਬੇਹਯਾ ਗਿਟਕ ਦੇ ਵਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖ। ਲਓ ਪਿਰਾਓ, ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਮੱਕੂਰ ਵੇਖਣਾ, ਮੱਕੂਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਦੀ। ਕੁੰਡੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੈ, ਖੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਪਈ ਕਰਦੀ? ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪੋਚਾ ਪਈ ਫੇਰਦੀ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪੋਚਾ ਪਈ ਫੇਰਦੀ।
आज मैं तेरा पोता फेर तुर किया चुप कर मैं लपन दे पसीना आज मैं तेरी मकारी पकड़ लेती है और खाना बरंदा का पुत्र कितुर किया चुप कर आज मैं उन्हें जिंदा ना छोड़ता मैं उन्हें सार के सुहा कर छोड़ता उस्ताद जी तुसी यह की कीता है अपने घर नु छाड़ के सुआह कर दिता जे आने क्या पुत्र असि गैरत वाले नौजवान असि ओनू भी ते विचकार अपने घर नु भी छाड़ के चप्पल कबाब बना दिते पावे वाह उस्ताद जी वाह अज तानू हांडी पकान दी कोई लोड़ नहीं उस्कार पर उस्ताद जी ओ हैगा कौन सी खुदा ए हक दी कसम है पुत्र ओ साडा डाडा दुश्मन दुश्मन हजिनू अल्लाह रखे बई ओनू कौन चखे बई जिनू अल्लाह रखे बई ओनू कौन चखे मैं क्या चंडू शेर दूध च आसर जलेबियां पा के फटाफट मैं दे दे सवा सिर मठियाई तोल दे मैं न्याज देनी अल्लाह ने मेरी जान बचा ली ओ खाना बरंदाज दे पुत्र तू अपनी आज उस माती वाल नहीं है ओ कुछ ना कुछ जेड़ी मेरे नाल होई अल्लाह किसे दुश्मन नाल ना होवे ओ तेरे नाल ना होवे ओए आज की मुंह ते किसिया लाईया नी खैर छड्डे इस गल नु नबी आज आज उतो दा खसम आ गया फिर हाय हाय ओने मेरे संदूक च लुगात फिर ओदा खसम बड़ा रौला पाए बेड च खोते वांग रौला पांदा फिर ते नसा पचा फिर दुलतियां मारदा फिर फिर ओने फड़ के नती ली ला फिर पांबड़ मच पिया घर च फिर ओदी बुड्ढी रौला पावे कुरलावे फिर मेरा सेवरा ना संदूक ते ले आया ओदे खसम ने किता अंदर जाके उस नूंग अपने मोड़े ते रखिया ते बाहर ले आके वेड़े रखता ते अल्लाह ने मेरी जान बचा ली या अल्लाह मैं हाले दाना पानी और खाना फिर एक ही पता रहा ओ खाना पर आज दे पुत्र क्यों ओ मेरा हाथ छाड़ के ते आखो जीवन से अपना पुत्र मेरा कहा सांस बचे यार दुलिया की गल है एक गल ते बड़ी हैरानगी दी है वो केड़ी गल कुदरत ने जदों हुसन तकसीम कीता सी तेरे पिंड दीआं मुटियारां पता नहीं पहली कतार विच खलोतियां सन पर तू केड़ा चमकारा वेख बैठे कि हुसन दा नां लैंदे ही तेरियां अखां नशे नाल भर गईआं ने की पुछना यार मैं एक मुटियार खूह ते पानी भरती वेखी है जिथे ओह खलोती होई सी उथों दी जमीन गरूर नाल तनी होई सी मैं ओदे अल वेख के उतां तकिया ते सूरज भी शर्मा के बदलां विच लुकिया होया सी मालूम होंदा तैनूं ओदे नाल मुहब्बत हो गई तैनूं मैं की दसां दिल ते नक्शे खिंचिया गया तू भरा यकीन करी जे मैनूं मुटियार ना मिली ते मैं सारी उम्र शादी नहीं करांगा इहो जी गल है गल की है मैं ते उहनूं अपनी जिंदगी समझ बैठा ओ पर कौन है कोई नाम पता दसे तां पता लगे ना ऐसे पिंड दी रहण वाली ऐस पिंड दी रहण वाली आहो तू मैनूं विखा सकना सवेरे उन्हें खूह ते जिहा पानी पिया अगां ही लातियां सन हुण उत्थे होवे कि ना होवे सवेरे खूह ते पिंड दीआं सारीआं कुड़ियां पानी भरन आंदियां ने तू मैनूं ओह कुड़ी विखा दे इह गल ठीक है लै पहचान इहनां च कहिड़ी कुड़ी है ऐना विचों तो कोई नहीं इधर वेख ऐना विचों भी कोई नहीं उधर वेख ऐना विचों भी कोई नहीं और सामने देख ऐना विचों भी कोई नहीं और घबरान की कोई लोड़ नहीं इधर ही थोड़ा चिर होर उड़ीक लैने आ जे मैनूं पता होंदा कि मैं इत्थे आके इश्क दे चक्कर विच पैणा ते मैं इत्थे कदी भी ना आंदा तुरिया ओए तू कोई फिकर ना कर ओ भावें कोई भी होवे ओदी डोली तेरे नाल ही जाएगी कॉल दे ओ कॉल देना इधर ही
वेखे दुलिया ओनू वेख के सह उतां दा उतां ही रह जांदा। तू ठीक कहना हैदरी, ठीक कहना है। की दुलिया अपनी जिंदगी जख्म बन चुकी है, तू फिक्र ना कर, नूरां दी डोली तेरे नाल ही जाएगी। दुलिया की गल है पा दुलिया, तू मैनू बुला भेजा सी? तू छेती नाल जाके नूरां नू मेरे कोल भेज दे। हाय अल्लाह, ते हाथे की होया ई? कुछ नहीं होया, तू जा ते नूरां नू आख मैं इत्थे बह के ओहदा इंतजार पिया करना। मुलाकात किथे होई है? सानू ते उहने बुला के हुक्म दिता है कि नूरा नू फौरन तो पहला हाजिर किया जाए, व्याह तो पहले ही हुक्म चलाण लग पिया है। मैनू गर्मी देने की कोशिश ना कर, यह दस वो है किथे भी? उत्थे ही आने वाली थां ते। रब खैर करी, मंगनी तो बाद अज पहली बारी बुलाया। रब दे रब ही जाने, उंज हाथ ते पट्टी बजी हुई सी। की बजी हुई सी? हाय मैं मर गई, जख्म कोई डूंगा ते नहीं सी? मैं पट्टी खोल के नहीं देखा, आप ही जाके वेख लै। अच्छा, जख्म का सुन के मैं नसी आई हाँ, नहीं तो मैं विआह तो पहला तेनू नहीं सी मिलना। इन्ना खुशी के दिनों में यह जख्म कितों खा लिता है? जख्म की गल छड़ नूरा, मैं तेनू बड़ी जरूरी गल दसन लई बुलाया। जरूरी गल भी हो जाएगी, पहले यह दस जख्म किस तरह लगा? यह मेरी अपनी जबान का फट है, तू बह जा मैं तेनू पूरी गल दसदा। फिर किसने लड़िया होगा? फिर किसे दुश्मन ललकारे? दुनिया तू काम छड़ क्यों नहीं दिता जिहड़े हर वेले तैनू खतरे च घसीटी फिरदे ने? हुण मैं तेरी कोई गल नहीं सुननी, जिन्ना चिर तू मेरे सामने कसम नहीं खाएगा ते हुण तू पराई अग च कदी छाल नहीं मारेगा, लोकां दीआं मुसीबतां नूं अपने गल नहीं पाएगा। जरा सोच ते सही दुलिया, हुण तू कल्ला नहीं, मेरी हयाती दा दीवा भी तेरी लो नाल बलिया है। दुनिया की कोई औरत भी अपने सुहाग नूं अग नाल खेड़दिआं नहीं वेख सकती। तू लोकां दा दर्द बनांदिआं रहना ते जख्म खांदिआं रहना, मेरा की बनेगा? मैं ते अपने ख्वाबां दे महलां दीआं कंधां इन्नीआं उगार बैठी हाँ कि तेरी किसे तकलीफ दा ख्याल करदिआं भी खौफ आंदा है। नूरा, तू ऐ ख्वाब देखना छड्डे नूरा, जिहड़े पूरे नहीं हो सकते। दुलिया, ऐ की कह रहा दुलिया? कुछ नहीं कह रहा, कुछ नहीं कह रहा, तू चली जा नूरा, तू चली जा। सलाम है मासी। आ पुत्र जी आया नू, आज मेरा पुत्र किधरे रात नहीं भूल गया? गल बड़ी जरूरी सी, इसलिए आप आना पे। जम जम मां, तेरा अपना घर है, ऐ तेरे हाथ ते की होया? कुछ नहीं मासी, एवें चोट लग गई। मासी तुसी नूरा दी डोली कद तक तोड़ सकते हैं? नूरा दी डोली की पिया कहना है पुत्र? मैं जानना यह गल करने लई मेरी मां नू आना चाहिए सी, पर जे उन्हें पता लग जाता तो शायद उसका कलेजा ही फट जाता। खैर मंग, कहो जी गल पिया करना है? मासी मैनु फांसी का हुक्म हो गया है। फांसी? नूरा का की बनेगा? मेरे नाल ते एक ना एक दिन यह कोई बीतनी सी, इस वास्ते मैं शादी की तारीख मुकर्र करना है। नाले फांसी की गल सुना रहे हैं, नाले डोली तैयार करवा रहे हैं, तू चाहना है इधर सगना की मेहंदी घुलदी होवे ते उधर तकदीर मेरी धी दे हत्थां ते बल दे अंगारे रख दे। नूरा की डोली मेरे नाल ही जाएगी। तेरे नाल ही जाएगी? वो केड़ा माई दा लाल है जेड़ा तेरी मंग ब्याह के ले जाएगा? वो मेरे नाल वड्डा आदमी है। तेरे नाल वड्डा आदमी कौन हो सकता है? हैदरी, पंजाब दे बादशाह दा कल्ला पुत्र। पुत्र? तैनू नहीं पता
नूरा तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मैं उन्हें चार दिन याद आवांगा ते फिर हौले हौले आपे ही भुल जावांगा। पुत्र दुनिया ऐ ते समझ झुगियां च रहण वालिया दा महलां वालिया नाल की मेल हो सकता है। तकदीर सारे फर्क मिटा देंदी है मासी। ऐ रिश्ता मेरी मुश्किलों का हल है। मेरे आने की लाज रख ते कह दे तेनू हैदरी का रिश्ता मंजूर है। गबरू अपनिया मंगा नहीं छड़ते। मावां नूं ते धीआं टोरनिया ही पैंदियां ने। बस ठीक है तुसी परसों डोरी तैयार कर लो। प्यास बुझी ना अखियां दी जद वेखियां शोक अदावां चंदा टोटा वेख जमीन तेरा ही भुल गया रावां। ओ आ मेरे दिल दिया मेहरमा मेरे लिए आबे हयात लेके आया कि जहर। तेरे वास्ते आबे हयात लियान ली मैनू जहर भी पीना पैंदा ते मैं खाली ना आंदा। जी ओ मैं यारा ओदे मापे नूं मना ले। मैं ते दिन भी मुकर्र कर आया पर एक गल दा ख्याल रखी। तू जिस तरह चाहेगा उसे तरह ही होगा। ऐसे शादियां ने जान की कोई लोड़ नहीं। चुप करके डोली ले जा। जिस तरह तेरी मर्जी। एक वादा दे उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। उन्हें तकलीफ किस तरह हो सकती है। वो तो मेरी दिल जान है। दुल्हिया इधर आ जा। नूरा मैं इत्थे हां। इत्थे की पिया करना है दुल्हिया। जेड़ी अग मेरे कार ला आए है उते शोलियां दा इंतजार इत्थे बह के पिया करना है। जे मां नूं मिली आई है ते आराम नाल बह के मेरी गल सुन ले। बदन विच अग लगी होवे ते आराम नाल कौन बैठ सकता है। आराम नाल तू बैठ जेड़ा अपने सिर दा बोझ किसे होर दे मोढ़ियां ते सुट्टा है। मैनू दस दुल्हिया मेरा की कसूर है। केड़ा ऐब सी मेरे विच केड़ी गल वेखी सी मेरे मुंह ते। ऐसी कोई गल नहीं सी नूरा। तकदीर ने मेरी जबान नूं वल देख के कौल करा दिता है। जेड़े कौल मैनू बचपन तो देंदा आया है वो तकदीर दे नहीं सन। जेड़े वादे मेरी जवानी दे कन्ना च पाए सन वो केड़ी झूठी जबान नाल कीते सन। जेड़ा हाथ मेरे हाथ विच फड़ाया सही वो किसे कहर दा हाथ नहीं सी। दुल्हिया ऐ की जुलम कीता ही की कहर कमाया ही। मैं कोई बेजबान जानवर ते नहीं सा जिदी लगाम चुम करके दूजे दे हाथ फड़ा लेती हूं। तू सच्ची है नूरा पर खुदा दी कसम है झूठा मैं भी नहीं। मैं अपने दोवें हाथ फड़ा बैठा ते जे इस मौके ते तू मेरा साथ ना दिता तो मैं समझागा तेनू मेरे नाल प्यार ही नहीं सी। मेरा प्यार तेनू यह हक ही नहीं देंदा दुल्हिया कि तू मोहब्बत की अदालत च बह के मैनू तकदीर दी सोली ते चाड़ दे। वादे तेरे नाल भी दुल्हे ने किते सन ते कौल भी तेनू दुल्हे की जबान ने दिते सन। पर मूरा तेरे वादियां तू फिर जावा ते मेरे प्यार नू लाश लगती है। पर हैदरी नू दिते हुए कौलों तू फिर जावा ते मेरी इज्जत नहीं रहती। तू दस नूरा तेनू दुल्हा चाहिदा कि उहदी इज्जत। गल कर नूरा तू किसे बेदे ते नाल प्यार कीता सी। तू किसे बेजबाने दी बीवी बन के रहना पसंद करेंगी कि किसे जबान वाले दी मोहब्बत दी निशानी। मैनू तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिदा दुल्हिया। सोच के जवाब दे नूरा। जे मैं मर जावां ते मेरी लाश नाल विआह कर लेंगी। तेरा की ख्याल है मैं किसे होर दी डोली च बह के जिउंदी रहांगी। लाश बन के डोली विच बह जा पर उदों तक सा लेंदी जाई जब तक मेरे मरण की खबर नहीं सुन लेंदी। मैं तेरे को तेरे प्यार को अपने दिते हुए कौल की इज्जत मंगना वा नूरा। बोल मेरी चोली च खैर पाएगी कि नहीं। दुल्हिया कबूतर मेरे प्यार की निशानी बना के अपने नाल रखी। जिदों कोई मुसीबत पवे इहनूं मेरे वल कर दी। दिलदार
देके झूठा लारा ओ दिलदारा हो दिलदारा दुल्ला पटेल गिरफ्तार करने का हुक्म दिता सी, फिर क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? अब्बा हजूर, जिस तख्त दे इंसाफ दी तुम सारे जहान पई रहे, मैं बेइंसाफी करके उन बदनाम करना पसंद नहीं किया। दुल्ला पट्टी बिल्कुल बेकसूर है। जनाबे आली, जे दुल्ला बिल्कुल बेकसूर है तो फिर मैं कसूरवार हूं, हुकूमत कसूरवार है, कानून कसूरवार है। तो फिर दुल्ला पट्टी के गलत इल्जाम क्यों लाते हो? गलत या सही का फैसला सी करना सी, तैन दुल्ला पट्टी की गिरफ्तारी नहीं कर लिया सी, तू अपना फर्ज पूरा क्यों नहीं किया? अब्बा हजूर, जेड़ी पुंछन मैं की है उस तो साबित होया कि फजल खान ने सारे इलाके में बदमनी फैलाई हुई है। इन्होंने अदालतों को जंगल ला छड़े ने, अपने आप लुकाने दुल्ला पट्टी से बगावत का इल्जाम ला रहे हैं। फजल खान, शहजादे हैदरी की तहकीकात तो मालूम होता है, तू तो साडे रियाया दी अखां च कट्टा पा के मुल्क च हनेर पाया है, फौरन बयान दे, तू अदालतों को जिंदा क्यों ला छड़े ने? आली जा, जे जान दी अमान पावा तो वह भेद भी खोल के दस दया जिंद वजह शहजादा हैदरी दुल्ले पट्टी की हमायत कर रहे हैं। छेती दस, असं सुनना चाहते। गुस्ताखी मुआफ हजूर, दुल्ले पट्टी ने अपने इलाके की सब तो खूबसूरत मुटियार खान हैदरी को बतौर रिश्वत पेश कर दी। हैदरी, जो कुछ फजल खां कह रहे हैं ठीक है? हाँ अब्बा हजूर, है ठीक है, पर मैं शादी की थी है, रिश्वत ले ली। ये रिश्वत नहीं तो होर की है, जिस सल्तनत को थारे बुजुर्गों ने अपना खून के कायम किया, तो एक मामूली लड़की पिछे उस हुकूमत के वकार को खाक मिलाता है। अब्बा हजूर, हुकूमतों के इख्तियार होंगे ने, पर दिलों के इख्तियार नहीं होंगे। मैं मजबूर हो गया सर। हाँ, एक लड़की के इश्क ने तेन मजबूर कर दिता, मजबूर कभी मुख्तार नहीं बन सकते। शाही तख्त, शाही खून, साड़ा वकार, तेरा फर्ज,
ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਤੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਤੋੜਿਆ। ਤੈਨ ਕੀ ਹੱਕ ਸੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਆਮ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇ। ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਤਕਦੀਰ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਤੇ ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਮੋਸ਼, ਫਜ਼ਲ ਖਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੈ ਜਾਓ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਏ? ਜਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹਿਲ ਚ ਆਏ ਹੋ ਉਦਾਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਖਾਨੋ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਚ ਜਿੰਨਾ ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਹੈਦਰੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਫਜ਼ਲ ਖਾਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੁਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਵੈਰਤ ਮੰਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਬੇਗੈਰਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਈ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਬਾਰਗੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ, ਤੂੰ ਬਾਗੀ ਦੁੱਲੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਲਾ ਬਾਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਲਾ ਬਾਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਲਾ ਬਾਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਗੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਸਤਾਖ ਲੜਕੀ, ਤੈਨ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਰ ਫਰਿਆਦੀ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਉਹ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫਜ਼ਲ ਖਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸਾਥੀ। ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਜ਼ਲ ਖਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੁੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੜਕਾਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਜ਼ਲ ਖਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਲਾ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ, ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਇਹਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਫਰਿਆਦੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚੋ, ਹੈਦਰੀ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਲਾ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਫਜ਼ਲ ਖਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫਜ਼ਲ ਖਾਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਨੇਰੇ ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਜ਼ਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇਤਮਾਦ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਇਸ ਰੁਤਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਇਤਰਾਫ ਹੈ ਅਲੀ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇਤਮਾਦ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੇਪਨਾਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੱਚ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਲੀਜਾ? ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਆਲੀਜਾ, ਜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ? ਤੇ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਲਈ ਇਬਰਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਪਤੀਆਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਕਰਾਵਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਡੰਗ ਮਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ।
गिरफ्तार करना सब तार नू सुनते नहीं ये हाथ में वक्त का हुक्म है ये तू हाथ में वक्त हों दू तो ये तेरा हुक्म जरूर मत दे तेरे कमजोर मुंडे और हुकूमत का पार चुकन के काबिल नहीं रहे इस मुल्क का हुक्मरान फजल खां है सिपाहियों गिरफ्तार कर रहे रानी खां ओए कमीने तुसी भी ये मिल गए हो ये बेगैरत झूठी ताकत के नशे में अपने मौसम की मेहरबानी का ख्याल भी भूल गया मोहब्बत ते जंग सब कुछ जायज है हुन तू एक तख्त नहीं अपने पुत्रों को जेल की काल कोठड़ी चाहेगा ले जा इनू अब्बा हजूर फजल खान ने बादशाह सलामत नु कैद कर दिता है जी हाँ तो तुम्हारे महल के आसे पासे सिपाहियों ने भी घेरा पाया है किसी ने भी तुम्हारे नाल मिलन का हुक्म नहीं घेरा पाया है मिलन का हुक्म नहीं मेरे प्यार की निशानी बना के अपने नाल रखे जो कोई मुसीबत पड़े तेन मेरे वाल कर दे तुसी बाहर जाओ हैदरी गिरफ्तार कर लिया चार चुफेरे वैरिया का कर लिया दुल्हिया मैं तेरे प्यार की निशानी तेरे को भेज रही हूं ऐ सौखी कड़ी ना पहुंचू तो तू अपनी नूरा की शक्ल भी नहीं देख सकेगा तू हम साडे सिर ते बैठ असि बादशाह वक्त बादशाह सलामत जिंदाबाद बादशाह सलामत जिंदाबाद बादशाह सलामत जिंदाबाद सरकार कमाल कर दीजिए हजूर ऐसी चाल चली जे तबीयत खुश कर देती जे और हुन मैं तानू सारे ने भी बादशाह बना देंगे हजूर तुसी बादशाह असि सारे बादशाह सरकार उस मलका का की बनेगा जिहड़ी ताडा इंतजार कर रही है केड़ी मलका हजूर नूरा जड़ा तोहफा हैदरी अपने लिए लेके आया थी गानी खान तू सानू शराब पिया उस ने असि आपे नहीं बनना हजूर तुहाड़ी खास कनीज आई है अपनी मदद ले दुल्हे नु कबूतर जरिए पैगाम भेज रही दुल्हे नु पैगाम भेज रही है वो कबूतर अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकता लावे अपनी नूरा को चलने
ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। लाटन वाली छिटी आग भी बुझी है। Ah!
राज मेरा है, हुन तेन मेरे कोलों कौन बचा? मेरा रब मैनू बचाएगा जेड़ा अक दे पलकारे च तखत ते ताज नू मिट्टी च मिला सके। और किसे नू आवाज मारनी हो ते मार ले, रब नू समाना ते उतर के आउण दी की लोड़ है? लोड़ ते मेरे आउण दी सी। दुल्ला पट्टी तेरी मौत दा परवाना लेके आ गया, तलवार फट सामने आ जा। की लोड़ मैनू ते गुस्से लोग सतकारे दिता से। मैं ते एक बार पहले भी मर चुकी हाँ, तुहानू नूरा दा वास्ते अपनी जान बचा। जो होना सी हो चुका नूरा। सरकार असी बादशाह सलामत ते शहजादे हैदरी नूं बचा लिया, अज साडी फतह हो गई है। खून जुल्म नूं खत्म करन लई कुर्बानी देनी ही पैंदी है। पिंड जाई ते बेबे नूं जाके तसली देई, बाकी दुल्हे ने तेरे दुध दी लाश रख ली। दुल्हिया ऐ की हो गया? मैं तेरी नूरा नू नहीं बचा सकिया हैदरी, मैनू शर्मिंदा ना कर मेरे भरावा। नूरा जुदिया भी तेरी सी ते मोया भी तेरी। ताज ते तख्त तन्नू मुबारक होवे हैदरी, बादशाह सलामत। हुण ते तन्नू यकीन आ गया कि मैं ताज ते तख्त दा बागी नहीं सा। दुल्हिया तेरे खून ने हुकूमत नू नवी जिंदगी दित्ती। मैं किस तरह तेरा शुक्रिया अदा करा मेरे भरावा? गल्लां करन दा वक्त नहीं, पर एक गल याद रखी, गरीबां दीआं झुग्गियां दे दीवे ना बुझण नहीं।
जिस दिन गरीबां दीआं झुग्गियां दे दीवे पुछ के तेरे महलां च अनेर पै जाएगा, अनेर पै जाएगा।